خلق الموت والحياة صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران اسلام جدر تنظیم کی تعلیمات چاہیے ہم اور آپ اپنے رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کا اظہار دینے کے پاس کے ذریعے کرویں اور بلند آواز سے پہنچ جائے اللہم صل علی سیدنا سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم तकरीर आप लोगों ने बहुत हमारी सुन चुके हुए हैं और ग्राउंड मुस्तफ़ा के कहना है कि जब से मास्टर हो गया है उस वक्त से बहुत ही कुछ और हो गया है। बात की हकीकत है कि तकरीर का मैं करना छोड़ दिया हूँ, लेकिन जब भी वक्त आता है तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाता हूँ, वक्त आता है थोड़ा मोड़ा बोल दिया करता हूँ। शायर ने कहा है, ये है दामन यह है गरीबा आओ कोई काम करे, ये है दामन यह है गरीबा आओ कोई काम करे, मौसम का मुस्तक रहना काम नहीं दीवारों का। बिरादर इस्लाम, सिर्फ दो बातों पे हमारी गुफ्तगू होगी, सिर्फ 10 मिनट। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा की तलावत करने का शर्त हासिल किया, खलकल मौत व हयात, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तो पैदा किया मौत और जिंदगी को। अगर इस पर गुफ्तगू की जाए तो बहुत बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन यही पे एक और बात समझ लीजिए, एक मिसाल कि एक बच्चा मोहल्ले में पैदा लिया और वो बच्चा पैदा लेते ही वो रो पड़ा। उसकी माँ जो बच्चा जनी थी उस वो अपना पूरे दर्द को भूल गई, मुस्कुरा रही, दादी मुस्कुरा रही है, चाची मुस्कुरा रही है, दादा मुस्कुरा रहे हैं, बाप मुस्कुरा रहे हैं, चेसो अकारी मुस्कुरा रहे हैं। उसी के बगल में एक बच्चा पैदा लिया और वो बच्चा बिल्कुल खामोश है, तो अब वो खामोश है तो उसकी माँ रोती। और आज देखा जाए तो जब बच्चा रोता है तो औरतें को देखेंगे तो बच्चा को लेकर के मस्जिद के दरवाजे पे आ जाती है कि जरा दम कर दीजिए, लेकिन वो बच्चा खामोश है और रोने वाले बच्चों के लिए दम किया जा रहा है और जो बच्चा खामोश है उसके लिए बोलाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो बच्चा पैदा लिया और खामोश है तो उसकी माँ रोने लगी, उसके बाप रोने लगे, उसके खेसोकारी रो रहे हैं। मैंने पूछा कि भाई ये बच्चा खामोश है और बच्चा के रंग देखो, रूप देखो, उसका चेहरा देखो, हाथ पैर तो दोनों का एक ही है, तो वो बच्चा रो रहा है तो उसके बाप मिठाई बांट रहे थे, बच्चा रो रहा है तो उसके दादा मिठाई बांट रहे हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको खेसो अकाल छू रहे हैं, और एक बच्चा खामोश है कि आप रो क्यों रहे हो, तो कहा कि मौलाना इसके अंदर रूह नहीं है, उसके अंदर वो है। बात समझ में आ रही है, इस बच्चा जो बच्चा खामोश है ये अपने खामोश होकर अपनी जिंदगी अपनी मौत के ऐलान कर रहा है, और जो बच्चा रो रहा है वो अपनी जिंदगी के ऐलान कर रहा है, इसलिए कि उस बच्चे के अंदर वो है और इस बच्चे के अंदर वो नहीं है, इसलिए उसके घर वाले रो रहे हैं और उसके घर वाले मुस्कुरा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो अगर जिस्म के अंदर है तो आप मुझे देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपसे ये पूछे कि इस पर्दा के पीछे क्या है, आप जवाब दे सकते हैं, कोई आदमी बता सकते हैं, या हमसे पूछे कि इस मकान के आगे क्या है, हम नहीं बता सकते, ऐसा है कि पता ये चला के जिस्म के अंदर वो है कि इंसान जिंदा है, लेकिन वो जो है वो महदूद हिस्सों तक है, रूह जिस्म के अंदर है तो आप महदूद हिस्सों तक देखती है, रूह के जिस्म के अंदर वो है तो कान महदूद जगहों से आवाज सुनता है,
लेकिन अगर किसी के अंदर रूहानी आ जाती है तो वो अब हदूद नहीं देखता है बल्कि पर्दा पार करके देखा करता है। तो वो महदूद हिस्सों तक देखे और रूहानियत जो है हदूद को पार करके देखा करता है। मस्जिद नबवी के मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी के मेंबर पर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं। मकाम नहावल में वहाँ पर जंग लड़ाई हो रही थी, इस्लामी जंग इस्लाम के सिपह सालार हजरत सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सिपह के लश्कर के लेकर के लड़ाई के इंतजाम कर रहे हैं। और वहाँ पर जब उमर फारूक आजम खलीफा दो मस्जिद नबवी के मेंबर पे खुतबा दे रहे हैं, हालत खुतबा के दौरान उन्होंने फरमा रहे हैं या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल, जबकि वहाँ के नहावल की सरजमीन सारे 300 मील के दूरी पे और 350 मील के दूरी पे है। न जाने कितने मकान होंगे, न जाने कितने दरख्त होंगे, न जाने कितने पहाड़ होंगे, न जाने क्या क्या रोक बीच में आया होगा, लेकिन उमर फारूक आजम मस्जिद के मेंबर पे खुतबा दे रहे हैं और उमर की निगाह 350 मील देख करके फरमा रहे हैं पहाड़ के ओट में आ जाओ। और जंग के मैदान में है, घोड़े के हनहनत भी है, घोड़े के टापू की आवाज भी है, तलवार की झनकार भी है, वहाँ पे हंगामा मच रहा है, चीखो पुकार हो रहा है, लेकिन उस बीच में हजरत का सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उमर फारूक आजम की आवाज सुन रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ प्यारे कि उमर के पास में कौन सी रूह थी और हजरत सारिया के पास में कौन सी रूह थी जो उमर की निगाह उमर की आवाज सुन ली और उमर ने 350 मील के दूरी पे वो देख रहे हैं। तो आप यही कहेंगे कि मौलाना उनके अंदर रूह के साथ में रूही नहीं थी जिनकी रूहानियत थी और जिसके अंदर रूहानियत आ जाया करती है वो हदूद को नहीं देखा करता है, वो पर्दा को नहीं देखा करता है, वो पहाड़ को नहीं देखा करता है, वो पहाड़ पार करके देखा करता है। ये रूहानियत है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दीजिए हजरत का नाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आलिम ही नहीं थे, ये इंसान ही नहीं थे, ये रूह वाले नहीं थे, बल्कि रूहानियत की वो तस्वीर आपके सामने है जो उन्होंने यहाँ पर रह करके आपको आपके सामने रह करके आप उसका अंदाजा नहीं लगा है। अगर अंदाजा लगाते तो आज ये हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया जानते और पहचानते हैं लेकिन गाँव वाले नहीं जानते हैं। मालूम है जब 12 मदरसा में हम पढ़ रहे थे उस वक्त में हम गुस्सा पढ़ रहे थे तो उस वक्त हजरत मौलाना मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह अलैह और मरिया के है मोहम्मद सुलेमान जिसका नाम छोटे है तीनों आदमी को लेके गए और जब वहां पर हजरत गए तो शेर गुजरात भी है और मौलाना कासिम अली साहब बस्ती के रहने वाले हैं वो कई दारिम है और बीच में हजरत को भी बुलाया गया था। तीन आदमी होंगे और वहां पर जब मौलाना का मुकाबला किया गया चुने क्या किसी बात को क्योंकि उस वक्त हम बच्चे थे लेकिन उन तीन के बीच में हजरत का नाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब को ही शेखुल हदीस के जगह पर रखा गया। उस वक्त में मौलाना का उमर साहब वहाँ के सेक्रेटरी साहब थे तो उन्होंने मुझे शेखुल हदीस के जगह पर चुना गया जबकि शेर गुजरात मौजूद है, जब वहाँ काजी मरी साहब मौजूद है और उन तीन के बीच में हजरत को मुझे शेखुल हदीस की जगह पर चुना गया है। तो हमें ये कहना है कि हजरत के इल्म के साथ साथ में रूह क्योंकि इल्म के साथ साथ में रूह के साथ साथ में इल्म भी है और इल्म के साथ में रूहानियत थी जिस रूहानियत के साथ बल बूते थे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इलियास साहब के दामोदरपुर मदरसा के शेखुल हदीस के जगह पर फैल गए। मुख्तसर बात है बस, अभी 2-5 मिनट नहीं हुआ क्या हो गया देखा करती है और रूहानियत को पार करके देखा करती है। आप मैं बताऊं
चाहिए तारीख की रोशनी में देखे कि आज हम और आप जब चलते फिरते कैसे तबलीग करते हैं। अरे वो हमारे तबलीग करते हैं और रूहानियत वाले चाहते जाते भी कन्नत बढ़ाते चले जाते। तारीख की रोशनी में है बिहार के, ये बिहार शरीफ बिहार को मकाम नहीं है। अगर बिहार का मकाम देखना है तो मेरे रसूल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछे, मेरे रसूल आजम मदरसतुर रसूल मदीना मुनव्वरा के मदरसतुर रसूल में मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर बलखी रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक पढ़ा रहे हैं, हदीस पाक के दर्स दे रहे हैं और सहाबे हदीस के रोजे पाक के नजारा भी कर रहे हैं। और मौलाना मुजफ्फर हुसैन बलखी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक मदरसतुर रसूल में हदीस पाक का दर्स दिया। 40 साल के बाद मुजफ्फर बलखी रहमतुल्लाह अलैह के ख्याल आता है कि एक मर्द मोमिन से मुलाकात था। इसी ख्याल में वो मुझे ख्याल करने का जसो गए नबी दो जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खाम में आते हैं और फरमाते हैं कि अगर तुम मर्द मोमिन से देखे मोमिन से मुलाकात करना चाहते हो, अगर तुम मर्द मोमिन की जियारत करना चाहते हो, ए मुजफ्फर बलखी बिहार में बिहारियों बिहार का मकाम अरे रसूल की निगाहों में देखे, मेरे रसूल आजम फरमाते हैं कि अगर तुम मर्द कामिल से मुलाकात करना चाहते हो तो हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान में सुबह बिहार जाओ और सुबह बिहार में जा करके शरफुद्दीन अहया मनीर से मुलाकात करो। तारीख निकालने के लिए 10 मिनट टाइम है। मुख्तसर बात यह है कि हजरत शरफुद्दीन अहया रहमतुल्लाह अलैह का वफात हुआ, जब उन्होंने लेकर चला लोगों ने चला एक आपड़ा और छत पर से देख रही है, कहा कि अरे ये कैसा लोगों के सैलाब है, बिहार में तो हर साल पानी के सैलाब में देखती हूँ लेकिन ये बिहार शरीफ के बिहार बिहार के बिहार शरीफ में ये आदमियों का सैलाब कैसा। किसी ने कहा कि तुझे मालूम नहीं है पीर साहब का इंतकाल हो गया, पीर साहब का इंतकाल हो गया है। क्या कहती है वो काफरा का मैं कहती है अरे पीर साहब कहलाने का पीर मर गया मंगल का दिन, कहलाने का पीर मर गया मंगल का दिन। इतना कहना था कि हजरत शरफुद्दीन अहया रहमतुल्लाह अलैह 4 आदमियों के कंधे पे ताबूत पर बैठ करके आवाज देते हैं कि ऐ काफरा तुम कैसी है मंगल के दिन जाने के लिए, ये रूहानियत वाला सुन लेते दिन ने आवाज, अब ये वो वाली चले जाती है रूहानियत में गया, अब ये पीर के ही दिन जाएगा। जैसे बैठ जाते हैं कि उसके बैठते ही वो काफरा औरत नीचे आकर कदमे छर खुद्दी पे गिर करके कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हो गया। बताना यह है प्यारे कि सब रूह वालों महदूद हदूद करके देखें और रूहानियत महदूद को बाहर देख करके देखा करता है। रूहानियत सीने के छुपे हुए हदूद छुपे हुए रात को भी जाना करते हैं, रूह वाले तो चेहरे को देखता है रूहानियत दिल को देखा करते। चलते चलते एक बात और कह दो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब आए हिंदुस्तान के सरहद पे, जब हिंदुस्तान के सरहदों पे कदम रखते हैं तो शहाबुद्दीन गोरी इधर से लौटने जा रहा था, पूरे फौज के साथ है, लश्कर के साथ है, तलवार और नेजे के साथ है। हिंदुस्तान के सरहदों पे जब मुलाकात हुई तो कहते हैं ये टोपी वालों की जमात कहाँ को जा रही है, ये फकीरों की जमात कहाँ को जा रही है, ये कुर्ते वाले कहाँ जा रहे हैं, ये लुंगी वाले कहाँ जा रहे हैं, ये टोपी वाले कहाँ जा रहे हैं, ये तस्बीह वाले कहाँ जा रहे हैं, ये कुरान वाले कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि हम जा रहे हैं हिंदुस्तान। शहाबुद्दीन गोरी ने कहा था अरे साहब कहते हो हिंदुस्तान जा रहे हो, क्या तेरा सर तल पे भारी हो गया है, हम तलवार लेके गए थे, हम कुवत लेके गए थे, हम नेजा लेके गए थे, हम सवारी लेकर गए थे, हम दौलत लेके गए थे, हुकूमत लेके गए थे, हिंदुस्तान पर एक नहीं 17 मतलब गए और 17 मतलब हार के आ रहे हैं और तुम जा रहे हो, क्या तेरा सर तल पे भारी
ही रंग हो गया है। ये कह करके उस हजरत कला ने कहा था, ए शहाबुद्दीन तू हुकूमत लेके गया था, कुवत लेके गया था, दौलत लेके गया था, सवारी लेके गया था, तलवार लेके गया था, अरे सुन तू ताज लेके गया था, हम सुन्नत के रसूल टोपी लेके जा रहे हैं, अरे तू ढाल लेके गया था, हम कुरान लेके जा रहे हैं, तू तलवार लेके गया था, हम तस्बीह लेके जा रहे हैं, और तू तख्त लेके गया था, हम धनबाद लेके जा रहे हैं, तू सवारी लेके गया था, हम खराबा लेके जा रहे हैं। तारीख ये बताती है हिंदुस्तान के सरजमीन पे 90 लाख बातों कुतों के कलेजे पे खड़े होकर के इस्लाम का परचम लहरा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के सबब उठा करके रख दिया। मुसलमान भाइयों ये खुदा के सरजमीन पे हजरत मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब को दुनिया नहीं जानती है, लेकिन ये इलियास साहब हजरत खादा ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है और मुफ्ती इलियास साहब ने करोड़ों को अपने शहीद को पैदा कर दिया है। जब तक दुनिया रहेगी उनके इल्म के वो इल्म बढ़ता जाएगा, हजरत सवाब मिलता जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब को कहेगा हम तमाम मुसलमानों के सरों पे काम और काम रहे, खुसूसी तौर पे उनके औलाद कारी पेशर ही नहीं बल्कि उनकी तमाम औलाद गरीना हो या मादा हो उन तमाम के ऊपर इनका फैजान हो। साथ साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब का फैजान उनके तमाम छात्रों पर भी कायम और दायम रखे। वो आपके समझ में रखेगा।